तो हमको अब आज क्वेश्चंस कराने हैं ना थोड़े बहुत, और प्लस में कराना है आपको स्टार्ट आज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। पहले अपन कराएंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, मतलब वो तो सीरीज याद करनी पड़ती है आपको, प्लस उसके बाद अपन कराएंगे उसके एप्लीकेशंस कि उसमें ऐसा क्या होता है। बिकॉज आप जानते हो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का ऊपर से नीचे लेकर नीचे तक चेंज होता रहेगा, कोई ऊपर से नीचे बढ़ेगा, कुछ घटेगा, है ना। तो उसके हिसाब से आपकी पावर डिसाइड होती है, ऑक्सीडाइजिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर, और उसी के हिसाब से अपना, अगर आपने पढ़ा हो तो एक मेटल का डिस्प्लेसमेंट होता है, मेटल डिस्प्लेसमेंट। आपने अगर टेंथ में पढ़ा होगा एक चीज़ होती है गैल्वेनाइजेशन, याद है किसी को? लोहे पर जंग लगने से बचाने के लिए हम उस पर जिंक लगाते हैं, ठीक है ना, गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं उसको। कारण क्या होता है? बिकॉज जिंक लगाओगे तो रिएक्शन नहीं होगी, बिकॉज जिंक और आयरन में कोई ऊपर होगा कोई नीचे होगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पाएगा, या फिर हो पाएगा तो कैसे हो पाएगा, वो वाली बातें करनी है, ठीक है। देन उसके बाद हम जो है मिक्स क्वेश्चन सारे कर देंगे, बस इतना है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पहले लिख लो आप, उससे पहले एक बात लिख लो छोटी सी, इसको हटा देते हैं, उससे पहले एक फॉर्मूला आपको ये सब, अब सब बता दिया मैंने, एनोड कैसे देखोगे आप, कैथोड कैसे देखोगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा, इस वाली ट्रिक से याद होगा, ए बी सी, बी माने, ए माने, ए माने, ए माने एनोड, मतलब उस पर क्या होता है, एन पर ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर एनोड लेफ्ट में आएगा राइट में आएगा, एनोड एनोड लेफ्ट में, कैथोड कहाँ आएगा, आपको इतना मालूम पड़ गया। एनोड पर होता है क्या, ऑक्सीडेशन, ठीक है, तो उसका कौन सा पोटेंशियल आएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आएगा, और कैथोड पर रिडक्शन होता है उसका कौन सा पोटेंशियल आएगा, रिडक्शन पोटेंशियल आएगा। कुल मिला के आपको ये पता है, एक बात और पता है आपको कि अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रोड होता है, एक यहाँ पर होगा हमारा, है ना, आगे, तो उस पर खुद ना, मतलब खुद का कुछ चार्ज होगा, अगर इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या है, ये एनोड है, ये पॉजिटिव चार्ज पहले से, और आप जानते हो ड्यू टू ऑक्सीडेशन पर कौन सा ज़्यादा चार्ज निकलता है इस पर, माइनस। आपने बड़े प्यार से पढ़ाया फिजिक्स में, जहाँ प्लस माइनस आ जाते हैं वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, आ जाता है, पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। किसका पोटेंशियल है ये, इलेक्ट्रोड का है क्या पोटेंशियल, क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, खत्म। द पोटेंशियल जनरेट बिटवीन मेटल इलेक्ट्रोड, मेटल बोलना पड़ेगा, अगर मैंने कोई वो रख दी लकड़ी डंडी रख दी, कुछ होगा उसमें, कुछ नहीं होगा, मेटल इलेक्ट्रोड एंड इट्स आइंस, है ना, कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और आप जानते हो अगर मैंने एनोड ले लिया तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोल दोगे इसको, या फिर उसी का रिडक्शन पोटेंशियल बना सकते हो आप माइनस प्लस करके, और वही बात अगर आप इसके लिए बोलो कैथोड के लिए बोलोगे तो आपका सिस्टम चेंज हो जाएगा। तो कुल मिला के आपको एक फॉर्मूला बनता है यहाँ से, वो फॉर्मूला होता है, अच्छा उससे पहले आप एक काम करो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिख लो, हेडिंग लगाओ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लिख लिया, लिखो पोटेंशियल डेवलप बिटवीन या फिर जनरेट बिटवीन पोटेंशियल, पोटेंशियल बोल लो, वोल्टेज डिफरेंस बोल लो, कुछ भी बोल लो, पोटेंशियल डेवलप्ड बिटवीन, पोटेंशियल डेवलप्ड बिटवीन मेटल इलेक्ट्रोड, मेटल इलेक्ट्रोड एंड आयंस, मेटल इलेक्ट्रोड एंड आयंस नॉन एज क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हाँ। अब नीचे लिखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड क्या लिखोगे इसको, बताओ, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, ऑक्सीडेशन क्या लिखोगे, ओपी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, नीचे लिखो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड क्या हुआ, रिडक्शन
पोटेंशियल। अच्छा मैंने ये बात लिखा तो दी है, लेकिन आप ये मत सोच लेना कि ये तो परमानेंट जो चीज़ हो गई कि अगर मैंने एनोड के आगे ऑक्सीडेशन लिख दिया है तो हमारा काम खत्म, एनोड के आगे ऑक्सीडेशन ही करना है। अगर मैं उस वैल्यू के आगे माइनस लगा दूंगा ना तो वो ऑक्सीडेशन जगह पर रिडक्शन ही हो जाएगा, आप जानते हो ना। अच्छा मेरे को ये बता, दवा तो कोई भी अगर रिएक्शन आपके पास है चार्ज, उसमें पक्का है कि दो इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे आ रहे होंगे, है ना। अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे तो आप ऑक्सीडेशन बोलोगे उसको, तो अगर सीधी सी बात है अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे तो कहीं ना कहीं जा रहे होंगे, जो ले रहा होगा उसको आप रिडक्शन बोल दोगे। तो अगर आप सिर्फ माइनस का डिफरेंस कर दोगे ना तो आपका रिडक्शन ही बन जाएगा क्या, ऑक्सीडेशन। वो आपके सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में काम आता है, ठीक है। यहाँ तक लिख लिया रिडक्शन पोटेंशियल, अब लिखो नेक्स्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशंस, स्टैंडर्ड कंडीशंस। किसी को पता है स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होती हैं, जो नेचुरल कंडीशंस होती हैं? नेचुरल मतलब क्या, वो मतलब नेचुरल मान सकते हो आप चाहो। अच्छा हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या मानते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस। स्टैंडर्ड प्रेशर क्या मानते हैं, कितना कितना नहीं भाई। अच्छा स्टैंडर्ड कंसेंट्रेशन क्या मानेंगे, वन मोलर। और प्रेशर होता है 1 bar, ठीक है 1 bar। तो लिख लो यहाँ पर मतलब क्या है इसका, टेम्परेचर इज 298 केल्विन, यहाँ पर बोल सकते हो 25 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर इज 1 bar, और क्या बचा, कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू 1 molar। तो यहाँ इलेक्ट्रो पोटेंशियल क्या हो जाएगा, आप इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको मैं लिख दूं कि आप लिख लोगे आप स्टैंडर्ड, एस माने स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। इसमें किसी को डाउट कुछ, सिंपल सी बात बोल रहा हूँ मैं, अगर मैंने स्टैंडर्ड कंडीशंस ले ली, मतलब जे केल्विन ले लिया मैंने इतना, प्रेशर ले लिया इतना, कंसेंट्रेशन ले लिया इतना, तो आप उसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या बोल दोगे, अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल क्या बोल दोगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन क्या बोल दोगे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मतलब हमारे पास दो चीज़ें आ गई, कौन कौन सी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, SRP SOP। बोलना नहीं आपको SRP और SOP क्या होता है, ठीक है ना। SRP किसके लिए होगा, दोनों के लिए होगा, अभी बोलूँगा तो उस बात को कि रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का होता है, हमें पता है कैथोड का होता है, बट हम दोनों में यूज़ कर सकते हैं, कोई बताएंगे कैसे करेंगे आपको। आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद करना है, उससे आप 4 निकाल सकते हो फॉर्मूले, लेकिन आपको करना सिर्फ एक ही याद है, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई, SEP क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। भाई कॉपी में पूरा लिखना, मैंने सिर्फ ऐसे लिख दिया, बाद में मेरे से पूछोगे सर ये क्या था, ये SRP SOP होते दोनों, ठीक है। अभी से स्टार्ट हो गया, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। इतनी सी बात हो गई, अब सीधा फॉर्मूले पर आते हैं सीधा। अच्छा आपको ये तो पता होगा कि जो स्टैंडर्ड चीज़ होती है उसको हम कोई भी टर्म के ऊपर 0 लगाकर डिनोट करते हैं, E0, इस तरीके से। कोई स्टैंडर्ड चीज़ को हम, जैसे हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी है, आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हो, ΔG ऊपर लगा दो क्या, नॉट मतलब 0, ΔH0, ΔS0, उस तरीके से। यहाँ पर क्या लगाओगे, E0। इलेक्ट्रो पोटेंशियल जनरेट आप करते हो E से डिफाइन, और अगर स्टैंडर्ड बोलोगे क्या बोलोगे आप, E0। इसको लिख लिया होगा। अब आ जाओ, सिंपल सा एक फॉर्मूला रटना है आपको, अरे रट लिया जिसने उसका क्वेश्चन बनेगा, वरना मैं गारंटी दे रहा हूँ क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। फॉर्मूला है आपका E0 इज इक्वल टू SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड। कैथोड एनोड के ऊपर क्वेश्चन आया तो 70-80% क्वेश्चन इसी फॉर्मूला पर बेस्ड आएगा, या तो डायरेक्ट पूछ लेगा आपसे, या आपको एक और कुछ चीज़ मतलब चेंज कर सकते हैं, वो क्या होगा बता देंगे अभी आपको। आप बोलोगे सर कैथोड एनोड का क्या होगा, अब आप बताओ, मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन करना सिखा दिया है ना, कैथोड राइट साइड होता पता है आपको, एनोड लेफ्ट हैंड साइड होता पता है आपको,
आपको वैल्यूज देगा, आपको सिर्फ इतना काम करना है, पहचानना है कि ये रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड का कौन सा है। और रिडक्शन पोटेंशियल ही है, चक्कर क्या होता है वो आपको देता है ऐसे ई नॉट जेड एन जेड एन प्लस टू। ये बताओ क्या पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो आपको अगर पॉइंट एट दिया होगा ये, लेकिन आप ये समझ गए होगे कि है क्या ये, मतलब उस वाली हमने एक रिएक्शन कराई थी सी यू वाली कराई थी, मतलब क्लियर है कि ये कैथोड है ये एनोड है, आप ये समझ गए एनोड तो है ये, तो मतलब आंसर तो यहाँ आएगा हमारा, है ना। बट समस्या ये है कि हमें निकालना क्या है एस आर पी, दिया क्या है एस ओ पी। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ब्रैकेट में लिख लेना एस आर पी ऑलवेज वी इक्वल देन माइनस एस ओ पी। जहाँ जहाँ एस आर पी दे दिया आपको एस ओ पी चेंज करना है, उस वैल्यू के आगे माइनस लगा, खत्म। बात आगे बात समझ, एस ओ पी दिया है एस आर पी निकालना है, उसके आगे माइनस लगा दो, माइनस लगा तो प्लस कर दो उसको, बात समझ में आ गई। तो आपको अगर यहाँ पर एस आर पी ऑफ एनोड निकालना है, आप जानते हो एनोड है तो माइनस, आपको पॉइंट एट दिया है, क्या रख हो गया माइनस पॉइंट एट, ये बात समझ में आ गई। तो कोई दिक्कत, पहले प्लस हो जाएगा, कुल मिला के जो दिया है उसमें इंटू माइनस करना है जो दिया, और पहले से अगर उसने जेड एन प्लस टू जेड एन दे दिया होता तो हम सीधा वैल्यू रख देते जो दिया होता। अभी क्वेश्चन कराएं सब समझ में आ जाए, बहुत क्वेश्चन आ गया समझ में। ये फॉर्मूला याद करने करना है कैसे भी करके, और याद नहीं करना है, वो होते हैं कुछ फॉर्मूले होते हैं चैप्टर में वो बिल्कुल ही मतलब क्वेश्चन डिफाइनिंग होते हैं, वो क्वेश्चन डिफाइनिंग फॉर्मूला है। अब इसमें चेंजमेंट क्या होता है, अब मैंने बोला आपसे E नॉट इज इक्वल टू एस आर पी ऑफ कैथोड माइनस, मेरे को एस आर पी जगह एस ओ पी करना है, एस आर पी की जगह एस ओ पी करना है, तो एस आर पी ऑफ एनोड आपको एस ओ पी करना है तो क्या करोगे आप माइनस लगा दोगे, तो माइनस लगा दिया आपने माइनस ऑफ एस ओ पी ऑफ एनोड, क्या हो जाएगा ये प्लस एस आर पी ऑफ एस ओ पी ऑफ एनोड, ये फॉर्मूला बन गया। इसी को आपको मान लो इसको चेंज करना है तो क्या कर दोगे एस आर पी का, क्या कर दोगे आप एस ओ पी क्या लगा दोगे माइनस एस ओ पी ऑफ कैथोड अपना, ठीक है माइनस एस आर पी ऑफ एनोड, एक फॉर्मूला ये बन जाएगा। एक और बनेगा, देखो मैंने दोनों को चेंज कर दिया, वो क्या हो गया एस आर पी जगह पर क्या हो गया एस ओ पी, बट किसका माइनस का, किसका कैथोड का, ये माइनस का क्या हो गया प्लस हो गया, तो एस ओ पी ऑफ एनोड, मतलब अल्टीमेटली ये क्या आ गया एस ओ पी ऑफ एनोड माइनस एस ओ पी ऑफ कैथोड। अब आप देखो इस फॉर्मूले को देखो, आपको एस आर पी ऑफ कैथोड पहले आ रहा है, यहाँ एस ओ पी ऑफ एनोड पहले आ रहा है, आगे बात समझ। कितने फॉर्मूले बने, एक दो तीन चार, चारों याद करने बैठो, गारंटी दे रहा हूँ ये पहला भूल जाओ, है ना, सिर्फ पहला याद करना है, मैंने आपको बता दिया कैसे आप चेंज कर सकते हो। और चेंज करना मुझे लग रहा होगा कैसे क्या हो रहा है, आपको जब वैल्यू दी जाएगी ना कुछ नहीं करना, पॉइंट का पॉइंट एट का माइनस पॉइंट एट तो करना, कुछ नहीं करना। और मेरी बात मानो, इन फॉर्मूलों को यूज़ करने के बजाय, जब फॉर्मूला आप कब यूज़ करोगे जब आपको ऑप्शन ही दे दिया जाए, आप क्वेश्चन कराएंगे आपको भी एक, आपको बोलेगा बच्चा फॉलोइंग इज ट्रू, ये दे देगा ये दे देगा ये दे देगा, माइनस प्लस चेंज कर देगा, तो आपको देखना पड़ेगा, फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं। लेकिन क्वेश्चन के लिए क्या करोगे आप, आपको एस आर पी निकाल लेना है, अगर एस ओ पी दिया है तो एस आर पी निकाल लेना, बात समझ आ गई। अगर एस ओ पी दिया है उसने तो हम इस पर नहीं जाएंगे, हम क्या करेंगे इसी का एस आर पी निकाल लेंगे, ठीक है, जैसे उसने पॉइंटेड एस ओ पी दिया, मैंने आपको अभी बताया था एग्जांपल, तो आप क्या करोगे इस फॉर्मूले को यूज़ करने के बजाय करोगे इसी को, बस एस आर पी जगह क्या कर लोगे एस ओ पी कर लोगे माइनस, पॉइंटेड दिया होगा तो माइनस पॉइंटेड हो जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा क्वेश्चन कराएंगे इसको, ठीक है। मेरे ख्याल से आधा पौना आइडिया लग गया होगा, ठीक है, ज़्यादा काटा पीटी कर दी इसमें आप, लिख लो इसको लिखना ज़रूरी है, ई नॉट एस आर पी ऑफ कैथोड माइनस प्लस एस ओ पी ऑफ एनो। एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चन करा दें आपको, इससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाए, वरना सोचते रहोगे क्या हो गया। किसी को अभी भी ये डाउट है कि एस आर पी एस ओ पी क्या होता है,
लिख लिया, सबका हो गया, साथ में लिख रहे थे क्या? लेके जरूर लेना भाई, अभी क्वेश्चन कराऊंगा एक, उसमें समस्या ये है कि वो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। सब लिखना भाई, देखो पहला फॉर्मूला चौथा फॉर्मूला आपको याद कैसे हो जाएगा, पहला और चौथा आपको ऐसे याद कैसे हो जाएगा, SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड, उल्टा कर दो SOP तो एनोड ऑफ कैथोड हो जाएगा, एनोड ऑफ कैथोड, दो तो याद कैसे हो जाएंगे, बाकी आपको याद करना पड़ेगा। ऐसा है कभी कैथोड प्लस आ रहा है एनोड माइनस आ रहा है, कभी कैथोड माइनस आ रहा है कभी एनोड प्लस आ रहा है, कभी दोनों माइनस आ रहे हैं कभी दोनों प्लस आ रहे हैं, कुल मिला के इतनी टेंशन लेनी नहीं है, सिर्फ पहला फॉर्मूला याद करना, सिर्फ पहला, बार बार बोल रहा हूँ आपसे, आप खुद सोचोगे जब क्वेश्चन कराएंगे आप, क्वेश्चन इन तीनों का कोई यूज नहीं आने वाला। हाँ एनोड, हाँ स्टैंडर्ड, मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल ऑफ सेल, हम बात समझ में आई, सेल में दो चीज़ें होंगी हमारे पास, कैथोड और एनोड, लेकिन कुल मिला के दोनों का वैल्यू तो आया कुछ ना कुछ, उसे बोलेंगे सेल का, ठीक है। एक लाइन लिख लेना, अगर वो जो कराया था ना स्टैंडर्ड वाली पॉइंट कराया था आपको, उसमें अगर जगह हो तो वहाँ लिख लो, लाइन लिख लो, क्या हुआ, लाइन लिख लो कि मैक्सिमम मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, वो जो कराया था स्टैंडर्ड वाली पॉइंट कराया था उसके आसपास जगह हो तो लिख लो, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं कहीं भी लिख लो, पॉइंट अगर याद होगा तो सब जगह फिट हो जाता है। मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, इसको बोलते हैं अपन EMF, पढ़ा हुआ है क्या, मैक्सिमम इलेक्ट्रो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड मतलब सेल के अंदर, उसे बोलते हैं EMF, उसका फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रो, बोलो बोलो, अरे भाई मैंने सोचा कि सारा कुछ सही बताएगा यार, पूरा काम खराब कर दिया। अरे भाई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पढ़ा है क्या, नहीं पढ़ा, चलो कोई बात नहीं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, अगर थोड़ा दिमाग लगाओ इसका मतलब समझ में आ गया होगा, बताओ इलेक्ट्रो मतलब करंट या फिर इलेक्ट्रॉन्स, मोटिव मतलब मोबिलिटी, फोर्स यानी कि दोनों के बीच फोर्स का मतलब साफ साफ है, प्लस माइनस के बीच फोर्स मतलब वोल्टेज डिफरेंस मतलब EM, आगे बात समझना, मेरा कहने का मतलब इतना सा है, जो ई नोट था ना, ई नोट हमारा ई सेल, इसको अपन ई सेल बोल सकते हो, ठीक है, ई नोट सेल बोल सकते हो, तो वही हमारा EM और EMF बन जाता है, क्योंकि दो इलेक्ट्रोड मतलब पूरी सेल बन गई हमारी, है ना, दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, देखो हमारे पास कुल मिला के हैं तो दो इलेक्ट्रोड ही, एक कैथोड एक एनोड, दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो सेल के तो होगा, अगर किसी एक का चाहिए वो लगाएगा, किसी एक का चाहिए लगाएगा, दोनों का निकालोगे तो हमारा क्या आएगा, तो आपको क्वेश्चन में बोल सकता है EMF, तो आप समझना आपको ई नोट ही पूछा है, ठीक है। अच्छा हाँ एक बात और, मेरी बात सुनो, अगर ये इनोड नहीं होता, एच नहीं होता, बात एक ही है, बात एक ही है, फॉर्मूला सेम है, ठीक है, अल्टीमेटली सोचना ही नहीं है कुछ, अगर उसने स्टैंडर्ड पूछ लिया तो हम लिख देंगे स्टैंडर्ड, नहीं पूछा तो लिख देंगे, नीट में आपसे वो पूरा लिखना तो आपको है नहीं, क्वेश्चन सॉल्व तो करना है आपको, माइनस प्लस भी करना है आपको, तो मतलब नहीं है आपको, आपको स्टैंडर्ड दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो ठीक है, आपको पता होना चाहिए स्टैंडर्ड कब होता है, 298 केल्विन एक बार एक मोलर, ठीक है, अगर आपको ई नॉट पूछा है तो आप ऐसा लगा दो, नहीं पूछा है कभी नहीं। एक क्वेश्चन लिखो, इसमें क्वेश्चन लिखो फाइंड आउट EMF, फाइंड आउट EMF, आप समझ गए होगे EMF मतलब हमको ई ऑफ सेल निकालना है, ठीक है, EMF कुसाकरे बगल में बैठ के क्या बोल रहा है उससे, तू क्या बोल रहा है उससे, ये बोल रहा है कि अभी EMF बताया था, दोबारा पूछ रहा है, ये बोल रहा होगा
चलो ये हम फाइंड आउट ई एम एफ कौन दे मैं वही बोलने वाला था कि कुसागरे बगल में बैठ के ये पगला गया है। लिखो क्वेश्चन, फाइंड आउट ई एम एफ, ठीक है। इसमें वैल्यू दे देते हैं आपको, सिंपल क्वेश्चन है। क्या हो गया? अगर वो बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो वो तो सेफ तो हो जाएगी ना। चलो क्वेश्चन ध्यान दे लो। क्वेश्चन दे दिया, इलेक्ट्रोमोटिव MOTIVE इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, फोर्स का मतलब है अपना पोटेंशियल डिफरेंस ही है। अरे जवाला क्वेश्चन बहुत सिंपल, जल्दी करो उसको। कौन बोला, बोला कौन बोला? सही है। अच्छा इसमें एक बात और है, अगर आपको पता चलेगा कि दोनों रिडक्शन पोटेंशियल ही हैं तो आपको मेरे ख्याल से पेन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। पड़ेगी क्या? 1.20 गलत कर दिया, 1.20 केल्विन सही कर ले भाई, 1.10 होगा यार। गलती मत करो भाई मेरे, वही वाली बात बोल रहा हूँ, गलती मत करो। फॉर्मूला क्या होता था मेरे को दोबारा? SRP ऑफ एनोड। हमको क्या चाहिए अल्टीमेटली? SRP। आपको SRP दोनों में दिया है क्या? चेक करो, 1.1। अबे हाँ मैंने समय से क्या बोला था अभी, तो फिर 1.0 ही तो होगा, फिर 2.0 क्यों बोल रहा है? पीयूष भाई सही है, हुआ कुछ गलती समझ में आई? अरुण हो गया क्यों, क्या दिक्कत है? दो चीज़ें हैं, देखो फॉर्मूला आपको याद है, SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड, अल्टीमेटली चाहिए क्या हमको? SRP है ना, दोनों में आपको SRP दिया है क्या? देखो हाँ दिया, नहीं दिया तो उसको SRP चेंज करना पड़ेगा, उसको SRP को चेंज करना पड़ेगा। चलो एक क्वेश्चन करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो गया? मैंने कब बोला कि स्टैंडर्ड नहीं दिया? कोई बात नहीं, देखो एक क्वेश्चन समझ लो, किस किस का आ गया होता ना? 1.1 काफ़ी लोगों का आ गया, फिर क्या 1.1 योगेश आ गया, ठीक है। माइनस तो नहीं करना। अच्छा बताओ मेरे को फॉर्मूला क्या होता है? ई नोट इज इक्वल टू SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड। सबसे पहला काम फॉर्मूला याद करना, याद सबको। दूसरा काम कैथोड एनोड पहचानना। हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड कौन होता है? एनोड। राइट हैंड साइड कैथोड, ये हो गया एनोड, ये हो गया कैथोड। अब तीसरा काम, लास्ट काम, SRP देखना, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल देखना। प्लस से जीरो जा रहा है, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल इसका है। कैथोड कितना है? 0.34। सही में आया, तो सही में ये क्या है? ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, ऑक्सीडेशन चाहिए क्या? SRP चाहिए हमें, चाहिए। क्या करेंगे हम जानते हैं SRP क्या होता है? SOP के माइनस के बराबर, मतलब माइनस का 0.76, इसको रख दो माइनस 0.76, माइनस कर दो 1.1। किसी को कोई दिक्कत पूछ लो। हाँ 0.34 माइनस माइनस प्लस हो गया, जोड़ दोगे 1.1 आ जाएगा।
स्टार्टिंग क्वेश्चन है, कुछ भी पूछ लो, कोई दिक्कत लगे तो। अगर अभी समझ में आ गया तो 70% 80% क्वेश्चन कर लोगे आप। कुछ क्वेश्चंस क्या होते हैं उसमें आपको क्या है कि बैलेंसिंग करनी पड़ती है ना, तो वहाँ थोड़ी सी दिक्कत आएगी आपको, क्योंकि बैलेंसिंग किसी को आती हो किसी को नहीं आती होगी, वो समस्या है। लेकिन टेंशन मतलब बैलेंसिंग बहुत कम आता है। हो गया क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करो। सेम क्वेश्चन है, फाइंड आउट ई सेल, मतलब ये भी सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। क्या हुआ? 0.4 वोल्ट। जल्दी से बताओ आंसर क्या है इसका, यहाँ आ जा। चलो थोड़ा ऊपर लिख दूंगा अभी, अगली बार से कितना कितना शायद सही है, शायद सही है। अरे मेरा गलत आ रहा है, 0.36 आ रहा है, सही है। क्या हुआ ओम भाई, थोड़ी सी गलती कर दी पक्का? बट शायद हाँ, प्लस का कि माइनस का? माइनस का आ रहा है, देखना पड़ेगा आपको काय का आएगा, किसी का प्लस का आ रहा है किसी का माइनस का आ रहा है। शायद मेरी कॉपी में गलती है, माइनस की आ रहा है। किस किस का रह गया, हो गया कितना आ रहा है, प्लस का कि माइनस का? मतलब बहुमत सिद्ध हो गया तो माइनस का ही आंसर। अरे यार हाँ, देखो कुल मिला के फॉर्मूला ये कि हमारे पास दैट इज ई सेल इज इक्वल टू SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड। पहले चेक करना पड़ेगा इसमें कैथोड कौन सा एनोड कौन सा। Fe प्लस टू से Fe जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, मतलब क्या हो गया जी कैथोड हमारा, क्या हो गया जी कैथोड, तो ये क्या हो गया हमारे अपने आप। अब भाई कैथोड के बाद एनोड मत देखने लग जाना, दो चीज़ तो हैं, कैथोड का दूसरा था एनोड होगा। ZN प्लस टू क्या हो रहा है यहाँ पर? अच्छा हमको चाहिए क्या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब कैथोड का वो क्या रहा है यहाँ पर, ऑक्सीडेशन। मतलब समस्या हो गई तो हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस 0.4 करना पड़ेगा। क्या दिया है, ऑक्सीडेशन दिया है, करना क्या पड़ेगा, माइनस 0.76, प्लस का ही आएगा आंसर, माइनस 0.4 वोल्ट। ये क्या है हमारा कैथोड है, माइनस 0.76, तो सो ये अपना कैसे हम 0.4 प्लस में हो जाएगा 0.76, ये बड़ा है तो अपना हो गया माइनस प्लस 0.36 वोल्ट। ये अपना आंसर आ गया ई का। समय कितना आया था, प्लस ही आया था माइनस आया था? अच्छा गलत हो गया आपको, मैं सबको माइनस कैसे आ गया, क्या गलती कर दी? कोई नहीं, क्वेश्चन यू समझ में आ गया, दिक्कत तो नहीं थी। थोड़ा बहुत देखो यहाँ पर गलती सिर्फ दो ही होती हैं, एक तो आपके रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पहचानने में, उससे क्या होता है कि माइनस प्लस का अंतर आ जाता है, ठीक है।
कोई टेंशन नहीं है, स्टार्टिंग कर रहे हो, पहली बार कर रहे हो क्वेश्चंस को, आराम से हो जाएंगे। कम से कम यहाँ तक पहुँच रहे हो ना, बहुत बड़ी बात है। हम जब पढ़ते थे हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते थे, ठीक है, तो टेंशन मतलब आराम से हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्या हुआ? अरे भाई मजाक वाली बात थोड़ी है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हंसी खेल नहीं है भाई, हमने बिल्कुल जीरो से पढ़ा है, हमने बिल्कुल क्वेश्चन बनते नहीं थे। हम जब क्वेश्चन टीचर कराता था तो मैं ऐसा फील कर सकते हो क्या? मैंने तुमको आज जैसे टीचर ने हमारे एलन में क्या है, पंद्रह क्या, एक घंटा 35 मिनट का लेक्चर होता था, ठीक है, हफ्ते में 4 दिन लेक्चर आया करता था। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रहा है, ठीक है, एक घंटा 35 मिनट इंटू 4 लगभग 6 घंटे हो गए, ठीक है, 6 घंटे में कितने क्वेश्चन होते हैं? अच्छा एक क्लास ले लेते हैं, एक क्लास में लगभग सर ने कराए 12 क्वेश्चन लगभग कराए, 10 क्वेश्चन मान लो, हम पे एक भी क्वेश्चन नहीं होता था, मुश्किल से एक क्वेश्चन हो जाता था प्लस माइनस वाला, 0.76 माइनस कर दिया हो गया आंसर, अरे सर मजा आ गया। वो भी बोलने की ताकत नहीं थी हमारे अंदर कि सर 0.36 होगा क्या, बोल नहीं सकते, गलत हो गया अपने सर ठेस देंगे अपने, ऐसा सोचते थे हम, है ना। तो वो फीलिंग करी है आपने, आपने नहीं करी फीलिंग, क्योंकि आप क्वेश्चन कर पा रहे हो, है ना। तो वो अगर यहाँ तक पहुँच रहे हो तो वो क्वेश्चन के आंसर तक ही पहुँच जाओ, ठीक है, वो अलग बात। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, हमारे साथ तो हुआ है ऐसा, उसके बावजूद अगर सिलेक्शन लेकर बैठे हैं तो आप भी ले सकते हो, उसमें क्या बड़ी बात है, आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा उसने अंतर कर दिया है, उसने किस चीज़ का, हाँ रिएक्शन लिख रहे हैं अपन, 2Fe+3ZN। ये रिएक्शन दिए, ठीक है, Fe+3, Fe+2 और वैल्यूज क्या दिए हैं आपको, 0.77, 0.76। सेम क्वेश्चन है, फाइंड आउट ही, जल्दी करना है, एक ही बात है भाई, EMF ई सेल कुछ भी बोल, आंसर बताओ क्या हो, सबका आना चाहिए, ठीक है, इस बार गलती नहीं करनी चाहिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आंसर सबका आना चाहिए, गलत कर दिया इस बार। पहला 77, दूसरा 76। इस बार यार गलती मत करना, आंसर सही आना चाहिए। अब सही है, सही है। चलो सबका आ रहा समय, समय तो समय आ गया, फिर आ गया, आ गया, आ गया। अरे वो क्या है कि वो धोनी जीत गया ना परसों नरसों, पगला गया है वो। तुम लोग ऐसे इंस्टाग्राम जुड़े हुए हैं ना मेरे से? अरे प्लस माइनस में गलती मत करो भाई, कोई प्लस माइनस गलत कर देता है, कोई उसको जोड़ के 1.63 ले आता है, गलत बात है। थोड़ा और टाइम जल्दी करना है ना,
चलो आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पर बाद में आते हैं, अपन इसी को कंटिन्यू करते हैं। किसका टू का अच्छा वो रिएक्शन दी है उसमें, इसका रोल आएगा आगे आएगा, अभी नहीं है, आगे आएगा जब बैलेंस फैक्टर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अभी क्या जरूरत है इसकी, कोई मतलब नहीं है। अपन ना तो क्वांटिटेटिव पढ़ रहे हैं ना क्वालिटेटिव पढ़ रहे हैं, कोई मतलब नहीं। अच्छा एक बात समझो, अल्टीमेटली फॉर्मूला रटना ही पड़ता है अपन को। अच्छा क्वेश्चन कराना पड़ेगा, हाँ किस किस का नहीं हुआ, मेरे ख्याल से इसी वाला क्वेश्चन सबका हो गया होगा, तीनों का हो गया आपका, दोनों का हो गया आपका, समझ में आ गया ऐसे तरीके से, पीछे हो गया, सारी क्लास का हो गया, तीनों का हो गया, पीछे होम हो गया। ठीक है, चलिए भाई तो नया आया है ना, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा सा हो जाए है, ड्रॉपर फिर तो आना चाहिए ना यार। कोई बात नहीं कर लो, धीमे धीमे हो जाए, थोड़ा ट्रांजिशन में दिक्कत तो आता है, ट्रांजिशन में दिक्कत आएगा। अच्छा कराएं क्या इसको, कराएं इस क्वेश्चन को, बताओ ई इक्वल टू एस आर पी ऑफ कैथोड माइनस एस आर पी ऑफ एनोड। अच्छा मेरे को ये बात बताओ, अब मेरे को ये बात बताओ, मैंने जो चार फॉर्मूले कराए थे आपको, पहला मेरे को मैंने आपको रटवाया था, बाकी तीन कराए थे, उनका कुछ यूज हो रहा है इसमें, नहीं हो रहा ना, क्योंकि अपन करते क्या हैं, अपन वही माइनस प्लस कर देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली लगाते कौन सा फॉर्मूला, जी वाला फॉर्मूला। किसी को ज़्यादा लगता है कि भाई दोनों से उससे क्या होगा, घर पर जाकर वो लगा के देख ले आंसर सेम ही आया। ठीक है, तो अपन को वो लगाना ही नहीं है, खत्म बात। हाँ अगर ऑप्शन ही दे दिया उसने कि बेचा तो बोलेंगे स्टेटमेंट इज ट्रू, चार उसने ऑप्शन दे दिए, फॉर्मुलेशन डिफरेंस दे दिए, अब हमको देखना पड़ेगा है ना, क्वेश्चन कराऊंगा भैया। देखो कैथोड अभी बात कर ही चुके हम, ये क्या होगा कैथोड होगा, ये क्या होगा एनोड होगा, तो कैथोड कितना आ जा रहा। अच्छा कैथोड का उसने रिडक्शन पहले से दे रखा है, प्लस थ्री से प्लस टू 0.77, इसका उसने फिर से ऑक्सीडेशन दे दिया, मतलब हम क्या करेंगे इसमें माइनस लगा देंगे, माइनस 0.76, मतलब प्लस हो गया जी, तो आंसर कितना आ गया 1.53 वोल्ट, हटा दें। हाँ देखो डेल्टा जी जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तब आपको पता होगा, जिस किसी को याद हो सोचो याद करो है? नहीं वो तो ठीक है, इतनी सिंपल चीज नहीं सोचना आपको। सबसे पहला बात करते हैं अपन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसमें डेल्टा ई आता है, क्या बोलते हैं उसको, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं एंथैल्पी के बारे में, क्या बोलते हैं उसको, डेल्टा एस। फिर बात करते हैं हम एंट्रोपी के बारे में, डेल्टा एस एस। फिर बात करते हैं स्पेसिफिक हीट के बारे में, सी पी सी वी, गामा वगैरह आता है जो लास्ट, आपने थर्मल फिजिक्स पढ़ा होगा 11th में भी, लास्ट में आता है हमारा सबसे लास्ट में डेल्टा जी। उस समय ये पढ़ाया जाता है कि मेरे पास एक एनर्जी कंटेंट है, कोई मेरे पास सिस्टम है, मान लो एक क्लासरूम सिस्टम है, इसमें जितनी एनर्जी टोटल होगी वो होगी हमारी डेल्टा एच एंथैल्पी। उस एंथैल्पी में से हम जानते हैं कुछ एनर्जी ऐसी होती है जो कि रैंडमनेस दिखाती है, रैंडमनेस क्या होता है, एंट्रोपी, जिसको याद हो, डिसऑर्डरनेस या रैंडमनेस, मतलब किसी चीज़ के टूटने की टेंडेंसी, बिखरने की टेंडेंसी क्या दिखाती है, एंट्रोपी दिखाती है। और आप जानते हो वो क्या होगा, यूजलेस होगा। ठीक है, टोटल एनर्जी में से अगर हम यूजलेस एनर्जी हटाएंगे तो यूजफुल एनर्जी मिलेगी हमको, ये बात समझते हो। मेरे पास 15 कोस्ट मान लो सेब रखे हैं किसी टोकरी में, मैंने 10 सेब अच्छे छांटने हैं, 5 मेरे बेकार हो गए हैं, मैं क्या करूँगा, उन 5 को हटा दूंगा, मतलब सब सड़ने लगा। शानदार, अच्छे बचा रहे हैं आप, 15 में से सुन ले भाई। मतलब टोटल एनर्जी कितनी है 15, यूजलेस कितनी है 5, तो कितनी बची यूजफुल 10, तो वो वाली बात बोलते हैं। तो जो अपना डेल्टा एच होता है वो पूरी टोटल एनर्जी होती है, उसमें से एच हटा देते हैं, दैट इज एंट्रोपी, मतलब यूजलेस, टी टेम्परेचर पर, और जो जी होता है वो यूजफुल एनर्जी होती है,
तो यूजफुल प्लस यूजलेस दैट इज टोटल एनर्जी। आगे बात समझ कुल मिला के जी क्या आता है हमारे यहाँ से एच माइनस टी एस, और इस जी को आप बोलते हो क्या यूजफुल एनर्जी या वर्क, ठीक है। और आप जानते हो स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस में डेल्टा जी नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस में डेल्टा जी नेगेटिव की पॉजिटिव बोलो भाई डेल्टा जी होता है नेगेटिव, हमेशा याद रखना, रट लो इस चीज को, ऊपर लिख लो कौन है कहीं भी लिख लो, डेल्टा जी नेगेटिव डेल्टा एस पॉजिटिव फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। और आप जानते हो हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं सारा कुछ इस पर स्पॉन्टेनियस ही है, ठीक है। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, हाँ कोई दिक्कत किसी को नहीं आ रहा। मैंने बोला एक सिस्टम है मेरे पास कोई सा भी, मैंने बोला क्लासरूम है, जितनी एनर्जी हम मौजूद है सारी एनर्जी होती है एंथैल्पी दैट इज एच, जो क्या थर्मोडायनेमिक्स में आता है 11th में, ठीक है समझ में आ गया एंथैल्पी होती है। उसमें से एक एनर्जी यूजफुल होगी एक यूजलेस होगी, ये तो सिस्टम का नेचर है ना, कोई चीज़ फायदे की होती है कोई चीज़ घाटे की होती है। जो यूजलेस एनर्जी उसको अपन एंट्रोपी बोलते हैं, एंट्रोपी, एंट्रोपी मतलब साफ साफ होता है डिसऑर्डरनेस रैंडमनेस, जो चीज़ बिखर रहा है, जैसे लोहे पर जंग लगती है, लोहा पहले अच्छा था बाद में जंग लग गया तो टूटने लगा, मतलब उसकी एंट्रोपी बढ़ गई क्योंकि टूट रही चीज़, ठीक है। यूजलेस एनर्जी, तो यूजलेस एनर्जी अगर एस आ गई टी टेम्परेचर पर तो यूजफुल कौन सी हो जाएगी जी, ये सारी बातें बताई जाती हैं थर्मोडायनेमिक्स में, समझ में आ गई बात। तो जी क्या आ गया आपका एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। तो यूजफुल एनर्जी में क्या हो गई हमारी पूरी में से यूजलेस, 15 फल थे 5 खराब हटा दिए हमने 10 बचे, आगे समझ आप, इसको बोलते हैं क्या यूजफुल एनर्जी। दूसरी बात डेल्टा जी हमेशा क्या होना चाहिए नेगेटिव होना चाहिए, डेल्टा एस हमेशा क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए बिकॉज ऑफ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, और हम स्पॉन्टेनियस ही पढ़ते हैं। अरे डेल्टा जी होना चाहिए नेगेटिव डेल्टा एस पॉजिटिव, अलग अलग क्वांटिटी है ना। चलो अब बाद में क्या बोलने जा रहा था, अब यहाँ देख लो भाई, यहाँ देख लो यूजफुल वर्क, अब बात समझ में आ गई यहाँ तक, किसी को अगर अभी भी समझ में नहीं आया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जो फॉर्मूला आएगा आखिर में उसको रख लेना, ठीक है। और हाँ ऐसा क्वेश्चन आया वाला भाई आप शायद सब लोग देख लेंगे, अगर याद हो रीजनिंग का क्वेश्चन आया था असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन इसी का आया था बताओ क्या शायद वही था। देखो अब तो डेल्टा जी हमारा क्या आना चाहिए पहली बात तो नेगेटिव आना चाहिए, क्लियर होगी बात। आप जानते हो वर्क होता है चार्ज और वोल्टेज के केस में क्यू इंटू वी, पढ़ाए क्या पढ़ा पक्का पढ़ा होगा क्यू इंटू वी माइनस लगा दोगे बिकॉज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अच्छा वी पोटेंशियल डिफरेंस हम क्या बोल रहे हैं इस वाले चैप्टर में, नहीं पोटेंशियल डिफरेंस वो तो वी है, वी फाइनल करना ही नहीं उसमें, ई बोल रहे हैं अपन बोलना ही। तो ये क्या हो गया ई, और क्यू क्या हो गया हमारा फेराडे, और अगर जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे जितना बैलेंस फैक्टर होगा उसके लिए क्या होगा एन फेराडे, जितना वो देगा हमको क्वेश्चन में देगा। ये बात किसी समझ में नहीं आई पूछो, क्यू इंटू वी होता है हम 12th में पढ़ते हैं चैप्टर इलेक्ट्रो में जो चीज़ें आती हैं उसमें है ना, तो क्यू वी चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, क्यू हो गया हमारा फेराडे क्योंकि आप सब पढ़ चुके हो भी कूलम चार्ज है ना। बट आपने बोला किसी ने कि इतने मोल्स के लिए इतने बैलेंस फैक्टर के लिए तो हमने एन लगा दिया उसके अंदर, और जो होता है ई हम यहाँ वी क्या पढ़ते हैं ई पढ़ते हैं, लगातार बात कर ही रहे हैं आपसे ई क्या कर दिया हमने एन एफ ई, इसको रख लो माइनस एन एफ, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला रखना पड़ेगा इसको। एन क्या है भाई एन क्या है बैलेंसिंग फैक्टर, ठीक है निकालना आता है फाइनल माइनस इनिशियल उस तरीके से, अभी क्वेश्चन कराएंगे तो बता देंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक कैसे आया जी, बहुत सोच लिया उसने फिर भी समझ में नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है ये तो रख लेगा माइनस एन एफ, एफ जानते हो ई जानते हो एन सब जानते हो, एन क्या होता है बैलेंस फैक्टर सब पढ़ा दिया बताओ एफ फेराडे। चलो क्वेश्चन लिखो जल्दी से, चलो क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ मैं,
और वो कॉपी में नहीं दिखा, सॉल्व कैसे करोगे? अच्छा वो चीज़ मत लिख लेना भाई, जो कि समझ में नहीं आएगा बाद में। वो तो आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया जाता है 11th में। हाँ अगर जो लिखना है क्वेश्चन हो गया, हाँ जो बात लिख लेना कहीं भी कोने में। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए अल्टीमेटली रिक्वायरमेंट डेल्टा जी नेगेटिव डेल्टा एस पॉजिटिव, अल्टीमेट। और डेल्टा जी होता है गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा एस होता है एंट्रोपी। ई इलेक्ट्रो पोटेंशियल, क्या हुआ? सब कुछ दिया भाई, अभी कराएंगे तब दिख जाएगा। अच्छा चाहिए क्या क्या? अच्छा अच्छा एक मिनट एक मिनट, रुको 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 रुको, एक चीज़ मिसिंग है। बाकी सब कुछ दिया क्वेश्चन में, हाँ क्वेश्चन में। हाँ 966 किलो जूल पर मोल। अब तो दिक्कत नहीं कि कुछ कम दिया है, अब तो हो जाएगा। अभी भी लग रहा है क्या? अगर लग रहा है तो अब तो गर्म लग रहा है। ई पूछा है, डेल्टा जी दिया है, माइनस पता है कैसे लगाओगे, एफ पता ही होगा कितना होता है, एन पता करना है, एन सिखाया है मैंने आपको। ई पूछा है, एफ तो 96,500 बोला, कोई बात नहीं, बैलेंस फैक्टर नहीं आता फिर तो नहीं कर पाओगे। कितना कितना थोड़ा गलत आ रहा है, पहली बात तो प्लस में तो आएगा ही नहीं आंसर। डेल्टा जी माइनस एन एफ ई, प्लस में तो नहीं आया, माइनस में ही आंसर आया। एन क्या होता है? बैलेंस फैक्टर, लिख लो भाई लिख लो। एन होता है बैलेंस फैक्टर भाई। चलो करा दे रहे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब बच्चे लगे हुए हैं, इसको हटा दें, घर पर जाके क्वेश्चन देखना बन पाया तो।